हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए विदाउट लूजिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का गाइडलाइन, ICH हार्मोनाइज ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन। टुडेज टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल / बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स Q5C। सबसे पहले देखते हैं इस गाइडलाइन का प्रीएम्बल्स क्या क्या है। द प्रोडक्ट्स दैट मींस द बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, दैट मींस टेम्परेचर चेंज, ऑक्सीडेशन, लाइट, आयोनिक कॉन्टेंट एंड शियर। इन ऑर्डर टू इंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज to avoid the degradation, strengthen conditions for their storage are usually necessary. तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये पर्टिकुलरली टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लाइट सेंसिटिव है, आयोनिक कॉन्टेंट में कुछ परिवर्तन होता है या फिर शियरिंग्स वगैरह होता है तो उसमें जनरली डिग्रेडेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए इस प्रोडक्ट्स का बायोलॉजिकल एक्टिविटी में बदलाव ना आए तो अवॉइड द डिग्रेडेशन एक्टिविटी, इनको स्ट्रेंथन करना और इसको स्टोरेज कंडीशन को यूजुअली मेंटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज नेसेसिटी। प्राइमरी से डेटा टू सपोर्ट द रिक्वायर्ड स्टोरेज पीरियड फॉर आइदर से ड्रग सब्सटेंसेस और ड्रग प्रोडक्ट शुड बी बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म रियल टाइम रियल कंडीशन स्टेबिलिटी स्टडीज। अभी चलते हैं देखते हैं कि इस एनेक्सर का स्कोप कहां कहां एप्लीकेबल है। दिस गाइडलाइन स्टेटेड इन दिस एनेक्सर एप्लीकेबल टू द वेल कैरेक्टराइज्ड प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स देयर डेरिवेटिव्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ व्हिच देयर कंपोनेंट्स एंड व्हिच आर आइसोलेटेड फ्रॉम टिश्यूज, बॉडी फ्लूइड्स, सेल कल्चर्स produced using the rDNA technology. Thus the document cover the generation of submissions of the stability data for products such as cytokines. Cytokines mein jaise kya hai, interferons, interleukins, colony stimulating factors, tumor necrosis factors, erythropoietins, plasminogen activators, ब्लड प्लाज्मा फैक्टर्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वैक्सीन कंसिस्टिंग ऑफ वेल कैरेक्टराइज्ड प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, ये सब के लिए गाइडलाइन जो है एप्लीकेबल है। अभी चलिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ बैच यूजिंग ड्रग सब्सटेंस। ड्रग सब्सटेंस जो है जैसे कि बल्क मेटेरियल जो है वो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। बल्क मेटेरियल इज टू बी स्टोर्ड आफ्टर से मैन्युफैक्चरर बट प्रायर टू द फॉर्मुलेशन, मतलब मैन्युफैक्चरर से ड्रग सब्सटेंस बन के आया बट वो प्रायर टू द फॉर्मुलेशन हम लोग अगर उसको स्टोर करके रखते हैं देन द फाइनल से मैन्युफैक्चरिंग देन स्टेबिलिटी डेटा शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द थ्री बैचेस फॉर व्हिच मैन्युफैक्चरर एंड स्टोरेज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्केल प्रोडक्शन। अ मिनिमम ऑफ 6 months स्टेबिलिटी शेयर डेटा एट द टाइम ऑफ द सबमिशन शुड बी सबमिटेड इन केस हर स्टोरेज पीरियड इज ग्रेटर देन 6 months आर रिक्वेस्टेड। फॉर द ड्रग सब्सटेंसेस विद स्टोरेज पीरियड ऑफ लेस देन 6 months द मिनिमम अमाउंट ऑफ द स्टेबिलिटी डेटा इज इनिशियल सबमिशन शुड बी डिटरमाइंड केस टू केस बेसिस। द क्वालिटी ऑफ द बैचेस ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस placed into the stability assay program should be representative of the quality of the material used in the preclinical or clinical studies and the quality of the material to be made at manufacturing scale. Abhi chalte hain dekhte hain intermediate kya hai. During the manufacturer of the biotechnological and biological products the quality of the quality and the control of the certain intermediates may be critical and the production of the final product. In general, the manufacturer should identify
the intermediate and the generate in-house data and say process the limit, assure their stability within the bound and developed process. While the use of pilot scale data is permissible, the manufacturer should establish the stability of such data using the manufacturing scale process. अभी चलते हैं जो important है वो कि drug product, that is the final say container product. Stability information should be say provided on at least 3 batches of the final say container product representative of that which will be used manufacturing scale. A minimum of 6 months data at the time of submission should be submitted in case of where the storage period is greater than 6 months are say, requested. For say, drug products with storage period of less than 6 months, the minimum amount of stability data in the initial submission should be determined on case-to-case basis. Product expiration dating will be based upon the actual data submitted in support with the application. Since the dating is based upon the real-time or real temperature data submitted for review, containing updates of the initial stability data should occur during the review and evaluation process. Where a pilot plant scale product at a manufacturing scale does not meet the long-term stability specifications throughout the dating, or it is not representative of the material used in the principal preclinical or clinical studies, the applicant should notify the appropriate regulatory authority to determine a suitable course of action. अभी चलते हैं इस गाइडलाइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज को अच्छी तरह से समझते हैं. सैंपल सिलेक्शन, वेयर वन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बैचेस डिफरिंग इन द फील्ड वॉल्यूम. मतलब एक प्रोडक्ट जो कि ना एक बैचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका फील्ड वॉल्यूम में परिवर्तन हम लोग लाने का कोशिश कर रहे हैं. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर यूनिटेज, जैसे कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट्स और मासेस, जैसे कि 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम. देन द सैंपल टू बी एंटर्ड इन टू द स्टेबिलिटी प्रोग्राम मे बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द मैट्रिक्स सिस्टम एंड और ब्रैकेटिंग. तो काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग उसके साथ परिचित हुए हैं. चलते हैं अच्छी तरह से जानते हैं मैट्रिक्सिंग सिस्टम और ब्रैकेटिंग के बारे में. मैट्रिक्सिंग दैट इज द स्टेटिस्टिकल डिजाइन ऑफ द स्टेबिलिटी स्टडी इन व्हिच डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ द सैंपल्स आर टेस्टेड एट डिफरेंट सैंपलिंग पॉइंट्स should only be applied when the appropriate documentation is provided that confirms that the stability of the sample tested represent the stability of the all samples. मतलब हम लोग मैट्रिक्सिंग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहां पे मैट्रिक्सिंग के द्वारा हम लोग स्टेबिलिटी में जो भी सैंपल को चार्ज करते हैं उससे हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द ऑल सैंपल्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. In the samples for the same drug product should be identified as, for example, covering different batches, different strengths, different sizes of the same closure, and or possibly in some cases different container closure systems. Matrixing should not be applied. काफी important है. दोबारा पढ़ता हूँ. Matrixing should not be applied. Matrixing apply कहाँ पे नहीं कर सकते. To the samples which differs that may affect the stability. मतलब जहां पे stability को affect करता है और जहां पे samples differ करता है, differ परिवर्तन परिवर्तित sample होता है उसकी केस में आप matrixing apply नहीं होगा. Such as different strengths, हम लोग different कहां पे भी differ करेगा, अलग अलग strength होगा तो आप उसको matrixing में cover नहीं कर सकते. डिफरेंट कंटेनर क्लोजर सिस्टम, अगर कंटेनर क्लोजर सिस्टम भी अलग हुआ तो उसको आप मैट्रिक्सिंग में कवर नहीं कर सकते. फायर
it cannot be confirmed that the say products respond similarly under the storage conditions. अभी चलते हैं, देखते हैं ब्रैकेटिंग क्या है. For the same strength and exact container closure system is used for three or so more filled containers. यहाँ पे सेम स्ट्रेंथ का सेम कंटेनर क्लोजर सिस्टम में तीन और तीन से भी ज्यादा मोर फील्ड कंटेनर में फिलअप किया है, देन द मैन्युफैक्चरर्स में इलेक्ट टू प्लेस ओनली द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कंटेनर साइज इनटू द स्टेबिलिटी प्रोग्राम. इसकी केस में मैन्युफैक्चरर जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा कंटेनर है उसको स्टेबिलिटी में चार्ज करेगा, दैट इज कॉल्ड ब्रैकेटिंग. अभी देखते हैं रैशनल क्या है. द डिजाइन ऑफ द सब प्रोटोकॉल दैट इनकॉर्पोरेट द ब्रैकेटिंग एज्यूम्स दैट द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट कंडीशन सैंपल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दोज ऑफ एक्सट्रीम्स. मतलब सबसे स्मॉलेस्ट वाला और सबसे लार्जेस्ट वाला जो कंटेनर है वो इंटरमीडिएट जितना भी कंटेनर है उसको रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट करता है. इस रैशनल के साथ हम लोग खाली सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला कंटेनर को चार्ज करेंगे. इन सर्टेन केसेस डेटा मे बी नीडेड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल द सैंपल्स आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा से कलेक्टेड फॉर द एक्सट्रीम्स. तो हम लोग इसमें भी सेम चीज बोल रहे कि विथ एडिक्वेट से डेटा आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो. अभी चलते देखते हैं स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोफाइल. On the whole, there is no single stability indicating assay or parameter. On the whole, एक कोई single stability indicating assay या parameter ऐसा नहीं है that profiles stability characteristics of the biotechnological or biological product. जो biotechnological और biological से products का profile को justify या characterize कर सके. Consequently, the manufacturer should propose स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोफाइल. यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एक स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोफाइल को जस्टिफाई करे दैट प्रोवाइड्स एश्योरेंस दैट द चेंजेस इन द आइडेंटिटी प्योरिटी एंड से पोटेंसी ऑफ द से प्रोडक्ट विल बी डिटेक्टेड. जहां से हम लोग एक प्रोडक्ट का आइडेंटिटी प्योरिटी और पोटेंसी को डिटेक्ट कर सके, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग प्रोफाइल. At the time of submission, जब हम लोग dossier submit करेंगे, applicants should have validated methods that comprise the stability indicating profile. जब हम लोग dossier submission करेंगे उस time पे applicants validated methods submit करे जिसमें क्या रहेगा stability indicating profile present रहे and data should be available for review. और सारा डेटा रिव्यू के लिए अवेलेबल रहे. द डिटर्मिनेशन ऑफ विच टेस्ट शुड बी इंक्लूडेड विल बी से प्रोडक्ट स्पेसिफिक. द आइटम्स एम्फसाइज्ड इन द से फॉलोइंग सबमिशंस आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑल इंक्लूसिव बट रिप्रेजेंटेड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड टिपिकली बी डॉक्यूमेंटेड एंड एडिक्वेटली डेमोन्स्ट्रेट द से प्रोडक्ट स्टेबिलिटी. अभी चलते हैं देखते हैं प्रोटोकॉल क्या है. प्रोटोकॉल द डोजियर अकॉम्पेनिंग द एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग ऑथोराइजेशंस शुड इंक्लूड डिटेल्ड से प्रोटोकॉल फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बोथ द ड्रग स्ट्रक्चर्स एंड द ड्रग प्रोडक्ट इन सपोर्ट ऑफ द से प्रपोज्ड storage conditions and expirations dating period. The protocol will include all the necessary informations which demonstrate the stability of the biotechnological or biological product throughout the proposed expiration date period. Protocol should include well-defined specifications and a test interval. Let's jump to the potency. Potency is a specific ability or capacity of the product to achieve the intended effect. It is based on the manufacturer measurement of the some attributes of product
and is determined by the suitable quantitative method. Reference materials are calibrated directly or indirectly against the corresponding national or international reference material should be included in the assay. Now let's come to the purity and molecular characterization. Purity is the relative term due to the effect of glycosylation, deamidation, and other heterogeneity of the absolute purity of the biotechnological or biological product is extremely difficult to determine. Purity of the biotechnological or biological product should be typically assessed by say more than one method, and the purity value derived is method dependent. Physicochemical, biochemical and immunochemical analytical methods should permit a comprehensive characterization of the drug substances and drug product. Example, molecular size, charge, hydrophobicity, electrophoresis. Among the electrophoresis, there are SDS phage, that is sodium dodecyl sulfate, polyacrylamide, gel electrophoresis, immunoelectrophoresis, Western blotting, ISO electrofocusing, high resolution chromatography like reverse phase chromatography, gel filtration, ion exchange, affinity chromatography, peptide mapping, etc. Other set product characteristics. Visual appearances of the set product, like say color, opacity of the solutions, substances, color texture, resolution times of the say powders, visual particulates of the solutions, or after say reconstitution of the say powder or lyophilized cake, pH, moisture level of the say powder and lyophilized set products. Sterility testing or alternatively say container closure integrity testing should be say performed at the minimum initially and or end of the proposed shelf life. Additives like stabilizers and preservatives or excipients may regret during the dating of the same product of drug substances. If there is any indications during the preliminary stability studies that the reaction or degradation of such materials adversely affect the quality of the said product, then it is may need to be monitored during the stability program. The container closure has thus potentials to adversely affect the product and should be carefully evaluated. Now come to the storage condition, temperature, humidity. Since the most finished biotechnological and biological product has studied the precisely defined storage condition temperature, and the real time and real temperature stability studies may be confirmed. If the proposed storage and temperature biotechnological or biological products are generally distributed in containers protecting them from against the humidity. Therefore, so there is there it can be demonstrated that the proposed containers and the condition of the storage afford sufficient protection against the high and low humidity. Stability testing of the different relative humidities can visually should be omitted. Whereas humidity protecting containers are not used, appropriate stability data should be provided. Now we come to the accelerated and stress condition. Studies under the stress condition may be useful in determining whether the accidental exposure to the conditions other than those proposed during the transportation. The details, the deterioration of the product, and also for evaluating which specific test parameters may be the best indicators of the product stability. The studies of the exposures of drug substances or low drug product. Extreme conditions may help for removal of the patterns of deteriorations so that such changes should be monitored under the proposed storage conditions. Conditions should be carefully selected and it should be case-to-case basis. Now, let's come some variability like light, container closure,
stabilities after reconstitutions or freeze-dried product. Now, let's come to the important topic, that is testing frequency. The shelf lives of the biotechnological or biological cell products may vary from days to several years. Thus, it is difficult to draft uniform guideline regarding the stability study durations and the testing frequencies that would be applicable to the all types of the biotechnological and biological products. In the shelf lives for existing products and potential future products will be within the 0.5 to 5 years. When shelf life studies, shelf life of 1 year or less are proposed, then the real-time stability study should be conducted monthly for at least first 3 months and then 3 monthly intervals thereafter. For products with a proposed shelf life of greater than 1 year, then a study should be conducted every 3 monthly during the first year of the storage, every 6 monthly during the second year of the storage, and annually thereafter. चलिए अभी देखते हैं कि स्पेसिफिकेशंस रिकमेंडेशन ऑफ द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल सेल लॉसेस ऑफ द एक्टिविटीज लिमिट्स ऑफ द फिजिको केमिकल चेंजेस और सेल डिग्रेडेशन ड्यूरिंग द प्रपोज्ड सेल्फ लाइफ हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर इंडिविजुअल टाइप्स ऑल्सो ग्रुप ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल सेल प्रोडक्ट्स बट कंसीडर्ड ऑन द केस टू केस बेसिस ईच प्रोडक्ट should retain its specification within the established limit of the safety, security and potential for the proposed shelf life. These specifications and limits should be derived from all the available information using the appropriate statistical methods. Thus, the different specifications for release and expiration should be supported by sufficient data to demonstrate that that clinical references is not affected. Now come to the labeling. For most of the biotechnological or biological products, drug substances and drug products, precisely defined storage temperature and temperature are recommended. Specific recommendations should be stated, particularly for the drug substances and drug products that cannot be tolerated to freezing. These conditions and so very appropriate recommendations for protection against light and or humidity should appear the containers, packaging and also pack inserts. Such labeling should be accordance with the relevant national or regional requirements. So mota moti yehi tak tha ye se guideline kaise laga aap logo ko कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए. अच्छा लगे तो दोस्तों में इसको शेयर करिए और प्लीज़ 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 आप लोग मेरे ऐसे वीडियो देख रहे हैं बट कुछ व्यूअर्स दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल. आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एंड यू विल गेट एवरी न्यू अपलोडेड दिस वीडियो टू योर यूट्यूब नोटिफिकेशन सिस्टम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.